ओके सो भाई, एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। और ये वाले वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे अपने थंबनेल्स होते हैं या फिर अपना कुछ भी ले लो यार, अपना पॉइंट टेबल रहा, उसका टैक्स कैसे आपको एडिट करना है वो आपको समझाऊंगा। दोस्तों काफ़ी सारे बंदों को नहीं समझ आता है कि कैसे हम लोग को उसका टैक्स एडिट करना है या फिर कैसे हम लोग उसका टैक्स को बना पाए यार फोटोशॉप के अंदर। और यार आप लोग को बस थोड़ी सी नॉलेज होगी, अपने को टूल्स के बारे में पता होता है, ये सारे टूल्स होते हैं और ये सारी लेयर्स होती है और ये सारे मेन्यूज होते हैं जो हम लोग को यूज़ होंगे। ओके सो आप लोग को बाकी सब कुछ बनाना आता है, आपको बैकग्राउंड क्लियर करना क्रिएट करना आता है और आपको सिर्फ टैक्स में प्रॉब्लम होती है। तो ये वाले वीडियो में आप लोग अगर एक बार समझ लोगे ना दोस्तों, तो आप लोग को आगे जाके कोई भी वीडियो के अंदर आप लोग को टैक्स एडिट करना, कोई भी अपना थंबनेल के अंदर टैक्स की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएंगी दोस्तों। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। तो चलो हम लोग वीडियो की ओर जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन सकता है बट एग्जस्ट कर लेना, थोड़ा सा वीडियो देख लेना दोस्तों। मैं ज़्यादातर कट नहीं करूँगा, सिर्फ जहाँ पर मैं टेक्स लूँगा वही कट करूँगा एंड बाकी सारे मैं टेक्स लूँगा वो उसका मैं कट कुछ नहीं करने वाला दोस्तों। सो चलो हम लोग जाते हैं अपने वीडियो की ओर। सो यहाँ पे पहले तो आपको दिखा देता हूँ कि ये होता है अपना वर्क एरिया, ये सारे टूल्स है ओके, एंड ये लेयर मेन्यूज़ है एंड ये हमारे मेन्यूज़ है जहाँ पर आप लोग को इमेज मेन्यू एंड फाइल्स सब कुछ मिल सकता है। ओके सब कुछ यहाँ से ऊपर से भी मिल सकता है, साइड में अपने सारे के सारे एंड लेयर्स के ऊपर हम लोग को काम करना रहता है, वो बेसिक है। ये हमारा वर्क एरिया है, हमारी ये शीट है ओके। मैंने एक पहले से एक बैकग्राउंड क्रिएट करके रखा है, सिंपल सा बैकग्राउंड है, मैंने सिर्फ उसके ऊपर अपना बैकग्राउंड था उसको जो लाइट कर दिया अपने, जो सिंपल सा ये बैकग्राउंड है समझ लो ओके। यहाँ पर हम लोग को टाइप टूल लेंगे ओके, टाइप टूल लोगे, इसके बाद हम लोग को मैं फॉन्ट लेने और ये अमेरिकन कैप्टन है, आप लोग कोई भी फॉन्ट ले सकते हो। सो यहाँ पर मैं टाइप टूल से यहाँ पर टाइप कर दूँगा BGMI ओके, BGMI मैं टाइप कर रहा हूँ एंड उसको मैं बड़ा कर दूँगा कंट्रोल और टी से। अभी आप लोग सोच रहे हो कि मेरा इटैलिक है, आपका इटैलिक नहीं आ रहा है एंड यहाँ पे आपके पास इटैलिक फॉन्ट नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा इटैलिक है ना, तो यहाँ पे ए का सेक्शन दिख रहा है, ये है कैरेक्टर, ए मतलब है यहाँ पे पता है ए लिखा है बट ये कैरेक्टर होता है, ए फॉर अल्फाबेट होता है बट हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर हैं ओके। अगर ये वाला ए वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे साइड में नहीं दिखता है तो आप लोग विंडोज़ में जाइए एंड विंडोज़ में जाके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैरेक्टर वाला दिखा, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो वो मेन्यू ओपन हो जाएगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टी सिलेक्टेड है एंड यहाँ पे मेरा BGMI सिलेक्ट है ओके। तो यहाँ पे हम लोग टी के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं सीधा हो गया। अभी मैं वापस इसके ऊपर टी के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो वो इटैलिक हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इटैलिक ही रहने दो, अच्छा लगेगा, आप इटैलिक उसको कर दो। अभी मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा तो उसके ऊपर कंट्रोल टी करूँगा ओके, मतलब इसको मैं सिलेक्ट करके रखूँगा, कंट्रोल टी करूँगा तो आप देख सकते हो ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, जैसा आपको करना है वैसा आपकी इमेज अपना थंबनेल के हिसाब से कर दो। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी आपको बेसिक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी कर लूँगा तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप कंट्रोल जे भी कर सकते हो या फिर अल्टर दबा के इसको नीचे ला को तो भी एक कॉपी बन जाएगी दोस्तों। सो मैं यहाँ पे अभी के टाइम पे सिर्फ एक सिंपल सा यहाँ पे लिख रहा हूँ BGMI फोटोशॉप CC ओके, BGMI फोटोशॉप CC में इसकी रीसाइज कर दूंगा अभी के टाइम पे। तो कहीं बहुत है ओके, थोड़ा सा और क्योंकि एक और सी आएगा तो यहाँ पे फोटोशॉप CC सो मैं फोटोशॉप CC में कर रहा हूँ। अगर आप लोग को चाहिए मेरा फोटोशॉप है वो 2020 का है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में getintopc.com के ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने BGMI फोटोशॉप CC लिखा है, यहाँ पे मैं इसके नीचे लगा दूंगा थंबनेल, जो भी आप लोग को लिखना है वो लगा सकते हो, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो मत लिखो, कुछ अपना और अपना लिखो। तो यहाँ पे मैं लिख देता फोटोशॉप CC थंबनेल ही लगा देते थंबनेल ओके। सो यहाँ पे मैंने लगा दिया, आपको जो आपको अच्छा लगे वो डालो, BGMI फोटोशॉप CC थंबनेल ओके। मैंने ये सिंपल सा भी रख दिया, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप लोग यही करो ओके, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं ओके। सो ये हो गया ओके, सिलेक्ट मैं अभी इसको सिर्फ ऐसे एक अच्छे से जगह पे रख रहा हूँ और कुछ नहीं ओके। मैं इसको बड़ा कर दूंगा थोड़ा सा ओके, इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लूँगा एंड BGMI को रखूँगा एंड बैकग्राउंड सिलेक्ट करूँगा एंड इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। पहले तो ये सबको सिलेक्ट करो, बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट करो एंड इसके ऊपर क्लिक कर दो
हो गया सेंटर, ओके। फिर इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करो, ओके, एंड थोड़ा सा ऊपर कर दो सेंटर, ये ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ओके, इसलिए हम लोग वो नहीं करेंगे। सो इतना रखते हैं अभी के टाइम पे। उसके बाद आपको इसका ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जाना है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस को आपको ओपन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब दो तरीके मुझे पता है तो मैं दो बताऊंगा, और भी कोई तरीका होगा तो नहीं पता, पर दो तरीके मुझे पता है। सिंपल सा आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ब्लेंडिंग ऑप्शन लेयर वाले के ऊपर, ओके, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन दिख रहा है। अगर वैसे नहीं खोलना है तो आप इसके ऊपर सिंपली डबल क्लिक करो, एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे हम लोग पहले तो ये हमारा एरिया है, मतलब इसके ऊपर जो काम होगा वो होगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको एक ग्रेडियंट फिल करेंगे, आप देख सकते हैं ग्रेडियंट है। उसके लिए मैंने कुछ इस तरह से ग्रेडियंट बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़े से ग्रेडियंट के प्रीसेट्स बनाए हुए। अगर वो नहीं मिलता है तो आप लोग को यहाँ पे एडवांस डिफॉल्ट ओके जाके इसको ओके कर देते हैं, तो आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे जो मैंने इसके प्री डिफाइंड, ये मेरे बनाए नहीं है, जो फोटोशॉप खुद देते हैं वो चीज़ है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग एक अपना खुद का भी ग्रेडियंट बना सकते हैं, अगर आपको बनाना है तो आप खुद का भी बना सकते हो, नहीं बनाना है तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे से एक थोड़ा सा ग्रेडियंट लूँगा, थोड़ा सा येलोइश एंड ऑरेंज टाइप का, तो मैंने पहले से यहाँ पे है मेरे पास। सो मैं और बनाने के ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि पहले से बना हुआ, एक डार्क सा थोड़ा सा, ओके। सो जैसे कि इसमें पिंक बराबर है, बट इसमें जो कलर है वो थोड़ा सा येलोइश टाइप होता, नहीं छोड़ो, ये वाला कलर ही लेते हैं जो पहले से था वो, ओके। सो ये वाला आप लोगों का कलर है मेरे पास अभी के टाइम पे। एंड उसके बाद अभी के टाइम पे आप लोग को देख सकते हो यहाँ पे मेरा इनर ग्लो हम देंगे। इनर ग्लो के ऊपर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, रीसेट हो गया पूरा का पूरा। यहाँ से मैं लीनियर डॉच कर लूँगा क्योंकि मुझे लीनियर डॉच की एजिस चाहिए। तो यहाँ पे है मेरी ओपेसिटी होगी वो 35 की रखूँगा, नॉइज़ में इतना ही रखूँगा। ओपेसिटी आप फुल भी कर सकते हो आपकी मर्ज़ी। यहाँ से मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट की जगह पे यहाँ पे सॉलिड कलर के ऊपर क्लिक करके आप लोग को सॉलिड कलर ले रहे हैं ना येलोइश टाइप का, मेरा जो बेसिक कलर वो येलोइश है, तो आप लोग वो वाला ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो कलर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। आप लोग को आपकी इमेजिनेशन ही इसमें काम करेगी। तो यहाँ पे मैंने एक येलोइश कलर ले लिया है, उसके बाद मैंने एजिस रखा है यहाँ पे मैंने 50 एंड सॉफ्ट, और आप लोग सेटिंग के हिसाब से वो खेलो, अच्छा मजा आएगा। ये देख सकते हैं इसको मैं आप लोग बढ़ाता तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा कम करके तो एजिस बनती है। सो हम लोग इसको थोड़ा सा एजिस देंगे, तो यहाँ पे 15 कैसी रहेगी, 16 21 भी अच्छी है, ओके 27 बराबर है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे भी इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को कुछ अलग अलग टाइप की एजिस मिलेगी, आप लोग को कैसी होनी चाहिए कि उसका क्वालिटी कैसी होगी वो हमें बता दें, तो मैं भी पहली वाली क्वालिटी रखूँगा आपके हिसाब से। आप इसके साथ भी खेल सकते हो आपको अच्छा लगे तो, बट मैं नहीं खेलूँगा, मैं इसको 50 रहने दूँगा, ओके। ये सब आप लोग कर सकते हो। फिर आपको ड्रॉप शेडो के अंदर जाना है, ड्रॉप शेडो के अंदर जाओगे दोस्तों, सो ड्रॉप शेडो आपको सबसे अभी मैं जैसे कि आपका ये सारी की सारी सेटिंग हो चुकी है, आपको जैसी सेटिंग करनी है वैसी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बनाइए। मैंने अभी के टाइम पे मैंने सिर्फ बताने के लिए ये वाला ट्यूटोरियल बता रहा हूँ कि आपको कैसे टेक्स्ट एडिट करता हूँ, मैं भी कैसे एडिट करता हूँ, एंड मुझे थोड़ी सी हेल्प यूट्यूब से भी हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था तब, ओके। सो अभी के टाइम पर मैं ये सब कर रहा हूँ, तो अभी तो उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने जो जैसे आप लोग ग्लो ख़त्म हो जाए, मतलब पूरा का पूरा आपका सेटअप हो जाए ग्लो जैसे आप लोग ने बनाया, उसके बाद आप लोग ड्रॉप शेडो के अंदर जाएंगे, आपको शेडो ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब शेडो आप लोग देंगे तो बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा। यहाँ पे मैं रीसेट डिफॉल्ट पे ऊपर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आप लोग नॉर्मल या मल्टीप्लाई जो भी आपको कर सकते हो। यहाँ पे आपको एंगल सेट करना है कौन से एंगल पे होनी चाहिए, डिस्टेंस आप लोग कितना रखना है आप देख सकते हैं, ये जितना एंगल होगा उसके हिसाब से आप लोग डिस्टेंस भी डिस्टेंस भी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड आप लोग ओपेसिटी उसके बढ़ा सकते हो, कितना ओपेसिटी होना चाहिए आप देख सकते हैं, जितना डिस्टेंस होगा उतना यहाँ पे आप लोग बाजू में देख सकते हैं कितना दूर तक जा रहा है, ओके। उसके हिसाब से आप लोग सेट करो, जैसे कि मैं यहाँ पे एंगल भी आप लोग इसका चेंज कर सकते हो, जैसे कि ऊपर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होना चाहिए, ओके। उसके हिसाब से आप लोग सेट करो, मैं यहाँ पे फिर अगर गलती हो जाए तो आप लोग यहाँ से रीसेट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो एंड रीसेट कर सकते हो दोस्तों। सो यहाँ पे हम लोग फिर पहले तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड है उसको हम लोग नॉर्मल कर देंगे, इसको मैं पहले 75 कर दूंगा, मुझे सबसे अच्छी लगती है 75 की, ओके। एंड यहाँ पे मैं इसको 90 डिग्री के एंगल के ऊपर घुमा हुआ होना चाहिए, एंड इसका जो डिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए, मैं हमेशा जो रखता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो इसकी है वो 33 रख सकते हो, मैं अभी के लिए 23 रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रखो। एंड इसका जो डिस्टेंस है वो आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही स्प्रेड कराऊँगा,
रखो, इसको मैं थोड़ा कम करा देता हूँ, एंड डिस्टेंस 218 जितना हो तो मज़ा आ जाए, एंड 75 यूज़र ग्लोबल डिस्टेंस रखो। आपको ये सबसे खेलना है, आप जितना खेलोगे ना इसके साथ, मैं सच्ची बोलता हूँ, आप जितना इसके साथ खेलोगे ना उतना आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा और आपको समझने में भी बहुत ही अच्छा होगा। जितना हो सके इन सब के साथ खेला करो दोस्तों। मैं तो हर बार खेलता हूँ, जितना बड़ा टैक्स हो उतना अलग अलग डिफरेंस आता है इस चीज़ से दोस्तों। सो आप लोग जितना अच्छी तरह से खेलोगे ना आपको ये इतना अच्छी तरह से समझ आएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमारे इस तरह से टैक्स हो चुका है एडिट। आप लोग अगर थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा होना तो अच्छी तरह से दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके मैं इसको हटा दूँ या फिर इसको हटा दूँ तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा लाइटिंग, अगर मैं इफेक्ट हटा दूँ तो आप देख सकते हैं ऐसा है, और थोड़ा सा लाइट होता तो थोड़ा सा शेडो दिख रहा होगा। तो मैं शेडो वापस ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे अब जाते हैं एंड शेडो के डिपार्टमेंट जाते हैं, शेडो का जो ऑप्शन है उसके अंदर जाके आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, और इसका स्केल है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आप लोग कैसी क्वालिटी चाहिए वैसा आप लोग इसका ऑप्शन चेंज चेक कर सकते हो दोस्तों। नॉइज़ हो गए, नॉइज़ भी आप लोग अपनी शेडो के अंदर डालनी है तो भी आप लोग उसके अंदर नॉइज़ भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से डाल सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर नॉइज़ आ रही है तो मैं इसको नहीं डालूंगा एंड ओके कर दो, आपको जैसे ही अच्छी लगे वैसे ओके। तो ये आपका आपको बता दिया, अभी अपनी आउटर ग्लो भी आपको देना है थोड़ा सा, तो आउटर ग्लो भी हम लोग येलो इस टाइप का देंगे। आउटर ग्लो के अंदर जाके हम लोग इसको येलो आउटर ग्लो देंगे ओके। सो यहाँ पे ओके कर देते हैं एंड ये थोड़ा सा अभी आउटर ग्लो भी हम लोग को इसको लीनियर डॉट्स देंगे एंड उसके बाद आप लोग को आउटर ग्लो के अंदर इसको 35 रखा है मैंने एंड इसको सॉफ्ट है तो सॉफ्ट को आपको जो भी आपको इस सबसे जो अच्छा लगे वो आप पे ओके, मैं सॉफ्ट ही रखूँगा एंड अभी आप लोग देख सकते हैं मैं सॉफ्ट रख रहा हूँ। आप लोग के हिसाब से दो जितना अच्छा लगे वो करो एंड इसका जो डिस्टेंस स्पेस है वो 20 ओके, नहीं इतना भी नहीं और ये बहुत ज़्यादा हो गया ओके, मेरे पहले का प्रोजेक्ट का था इसके जैसे। सो यहाँ पे 60 में कर दूँगा तो भी ऐसा दिख रहा है एंड इसको मैं कर दूँगा सॉफ्ट ओके एंड इसके बाद आप लोग को इसको 50। आप लोग इसके साथ भी खेल सकते हो, जितना खेलना हो उतना खेलो अच्छा पड़ेगा ओके। सो यहाँ पे से थोड़ा सा और इसको कर सकते हैं 20 दे के देखता हूँ एक बार, 20 जितना और थोड़ा सा बढ़ाते तो अच्छा देते हैं, हाँ इतना चलेगा अभी। और इसका जो स्पीड 35 एंड स्पीस ओके, आप लोग भी इसके साथ भी खेला करो ओके। ये थोड़े से मेथड होते हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ ओके, जितना अच्छी तरह से खेलोगे उतना हो सकता है एंड इसके बाद आप लोग अगर आप लोग को ये सारी की सारी सेटिंग अच्छी लगे तो इसको न्यू स्टाइल करके सेव कर सकते हैं आप लोग अपने टैक्स के लिए। तो ये है मेरा येल्लो टैक्स के लिए, तो मैं यहाँ पे येल्लो टैक्स लिख दूंगा ओके। तो एंड यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूँगा ओके, ये ऑरेंज भी है तो मैं इसको येल्लो एंड यहाँ पे रख दो एंड ओआ लिख देता हूँ जिससे मुझे ये समझ आ जाएगा, और टैक्स एडिट ओके एंड मैं इसको ओके कर दूंगा। अगर आप लोग कभी भी लेना है तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो ओके, स्टाइल्स के ऊपर ओके। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का बन चुका है, आप लोग सिंपली वो स्टाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग जा सकते हो। आप लोग बेसिक के अंदर भी देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल है ओके, बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट ये आप लोग ने अपने लिए एक डिफ़ॉल्ट सी बना के रखे और सिंपली ओके कर देंगे ओके। एंड उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे दूसरे के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बन चुके हैं। हम लोग यहाँ पे कॉपी भी करके कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कॉपी स्टाइल लेयर कर सकते हैं, बट इससे अच्छा अगर आप लोग ये नहीं करना है तो आप लोग यहाँ पे जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके स्टाइल्स में अंदर आपको जाके यहाँ पे देखोगे तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जितना भी आप लोग ने बनाया था वो सब कुछ आ जाएगी A to Z ओके। फिर आप लोग थंबनेल के अंदर जाओगे तो थंबनेल के ऊपर जाके स्टाइल में जाके आप लोग क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो जो आपने बनाया था वो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे देखने मिल रहा होगा पूरा का पूरा, वो दोनों के दोनों टेक्स्ट आ चुके हैं। अभी आप लोग को मैं बताता हूँ और भी आपको इसे कैसे एडिट करना है वो सब कुछ बताऊँगा, अभी तो सिर्फ इतना स्टार्टिंग हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ ओके। मैं आपको बताया था डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बहुत फास्ट भी क्रिएट करके बता सकता था, बट आप लोग को समझ आना चाहिए वो सबसे मेरी बात है दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके ऐसा कर देता हूँ एंड अभी हम लोग पहले तो इसको इसका कलर जो है इसका कलर उसको हम लोग चेंज करेंगे ओके। तो मैं थंबनेल के ऊपर जाके पहले तो इसका ग्रेडियंट चेंज करूँगा, तो ग्रेडियंट हम लोग ने इसमें थोड़े से डिफरेंट टाइप का ग्रेडियंट रखते हैं, तो इसमें ग्रेडियंट कौन सा रखे बताओ। इसमें हम लोग अपना खुद का भी बना सकते ग्रेडियंट, बट अभी के टाइम पर हम लोग बना ये ग्रेडियंट चेंज करना है मेरे को। ग्रेडियंट अपन कौन सा रखे इसमें, ऑरेंज ग्रे क्लाउड का है,
बहुत सारे ग्रेडियंट अवेलेबल है यार, मैं कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा हम लोग ग्रेडियंट यूज़ करें। मुझे पता है थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है क्योंकि बहुत लंबा सा बना रहा हूँ, बट मुझे पता है कि आप लोग को ये समझना चाहिए कि कैसे होता है हर बार, ओके, चेंजेस कैसे होती है वो आप लोग को समझना चाहिए, इसके वजह से मैं कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग खुद का यहाँ पे ग्रेडियंट बना सकते हो। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे ही डार्क सा ग्रेडियंट बना चाहता हूँ, रेडिश टाइप का बना देते हैं, एंड यहाँ पे जो है ओके ये थोड़ा सा डार्क वाला रेड होना चाहिए, तो नहीं बहुत गंदा दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से सिल्वर टाइप का ही कर सकते हो, मेरा कुछ ऐसे कुछ मसला नहीं है कि आप लोग यही कलर का बनाओ, आपके हिसाब से बनाओ, आपको जो अच्छा लगे वो, आपको कोई रोक नहीं रहा है, टोक नहीं रहा है कि आप लोग यार यही बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, आपको सिर्फ अपना ग्रेडियंट चेंज करना है। तो पहले तो मैं इन सबको बंद करा दूंगा, एंड उसके बाद मैं आउटर को भी ब्लर करा दूंगा, ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे हम लोग, ग्रेडियंट के अंदर ही है, एंड उसके बाद हम लोग इसमें से थोड़ा सा बेसिक सा कलर ले लेते हैं यार, बेसिक सा कलर ले लेते थोड़ा अच्छा दिखेगा, ओके। सो यहाँ पे हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स को हटा देंगे, एंड इसका एंगल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, ओके, थोड़ा सा एंगल और 90 डिग्री, हाँ ये चल जाएगा, एंड इसका स्प्रे जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए यार, इतना, हाँ इतना तो होना चाहिए भाई, एंड उसके बाद हम लोग इसमें जैसे कि हमने पहले दिया था इनर ग्लो, तो इनर ग्लो का कलर इसमें से हम लोग वाइट कलर देंगे, ओके वाइट कलर देंगे, एंड इसका एजीस हम लोग को देना है तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके देख सकते हैं, और एज को थोड़ा छोटा बड़ा हम लोग को जितना करना है ऐसा कर सकते देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एजीस के साथ हम लोग खेल रहे हैं, आप लोग वैसे ही करो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इस शेडो की जो डिस्टेंस है उसको कम कर देते हैं, बहुत अजीब सा दिख रहा है, बहुत सारे शेडो जितनी ज़्यादा होते हैं मतलब एक परफेक्ट की भी शेडो की हद होती है, यहाँ पे मेरा और एन आउटर ग्लो चाहिए जिसमें हम लोग का आउटर ग्लो में हम लोग को वाइट का टाइप चाहिए, क्योंकि वाइट में वाइट का है तो हम लोग उसको वाइट भी है, एंड उसके साइज़ थोड़ी सी छोटी कर देंगे क्योंकि हमको ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, एंड रेडनेस भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, एंड हम लोग को इसकी ओपेसिटी तो इतनी रखनी है, बराबर है 75 35 बराबर है, ये 35 सबसे परफेक्ट लगता है, इसके वजह से मैं 35 रखता हूँ, क्या मस्त लगता है, और इसको तो थोड़ा सा रखना है, ज़्यादा रखते तो फिर वो चमेला जैसा दिखता है, सो इसमें 10 ही रखा है, ओके। सो ये हमारा एक और टैक्स रेडी हो गया, अब देख सकते हो मैंने एक ही में से एक और टैक्स रेडी कर दिया, वैसे ही आप लोग इसमें जाइए, अब BGMI को थोड़ा सा चेंज करते हैं, नहीं BGMI नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, BGMI को भी चेंज करेंगे, बट इसका जो एंगल है ना वो मुझे बराबर नहीं लग रहा है, इसका जो एंगल है ना वो मुझे बराबर नहीं लग रहा है, इसको हम लोग 90 कर देंगे, ओके, एंड इसका जो स्प्रेड है ना वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसका ओके इसको थोड़ा सा मैं जूमिंग करके देख लेता हूँ, उसके बाद मेरे को जाना है थोड़ा सा इनर ग्लो के अंदर, इनर ग्लो के अंदर इसकी जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ी है, ओके, एंड इसका जो आउटर ये तो बराबर ही नहीं बराबर नहीं, छोटी कर कम कर दो, ओके, एंड फिर इसके अंदर था आउटर ग्लो मैंने तो बहुत बड़ा कर दिया है, थोड़ा सा रखते हैं आउटर ग्लो, ओके, सो ये हो गया हमारा, ये इसको ये कलर रखते हैं, अभी हम लोग BGMI का कलर चेंज कर देंगे तो हम लोग थोड़ा सा अच्छा दिखे, BGMI के लिए कलर हम लोग है ना ये जो कलर है वही ले लेंगे, तो हम लोग उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करके कॉपी लेयर कर सकते हैं, एंड इसके बाद हम लोग राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल कर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ भी हो चुका है, बट ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, ओके इतना भी कुछ शानदार सा नहीं लग रहा है, तो हम लोग इन दोनों को पहले तो ना इन दोनों को ऑन कर देंगे, ये थोड़ा सा बड़ा सा टैक्स है, इसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, तो बाकी सब तो कलर तो बराबर है, इनर ग्लो को थोड़ी सी साइज़ बढ़ानी पड़ेगी हम लोग को, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा जैसे कि इतनी साइज़ बहुत है, एंड इसका जो ड्रॉप शेडो है उसकी भी थोड़ी सी साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि 18 कर देता हूँ, एंड इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एंड आउटर ग्लो थोड़ा सा हम लोग ऐसे बढ़ा देंगे तो अच्छा दिखेगा, ओके, सो हम लोग ने ये बना दिया, तो देख सकते हैं कि अभी के टाइम पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा आउटर ग्लो इसमें बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो, जितना आउटर ग्लो कम होगा आप अपने हिसाब से शेड करा सकते हो, ओके आपका हिसाब है, आपको जितना हो सके उतना अच्छा पड़ेगा वो, ओके यहाँ पे है, ओके
ओके बस इतना बहुत है। ज़्यादा आउटर ग्लो भी अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा कम भी अच्छा नहीं लगता है। वो आपके ऊपर होना चाहिए कैसा आप लोग आउटर ग्लो को बनाते हो, वो आपके ऊपर होना चाहिए सब कुछ। ओके आप लोग जितना अच्छे से इसके साथ खेलना सीख जाओगे एक बार, तो सच्ची बताता हूँ कि आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग इसके साथ जितना खेलोगे ना, उतना मैं बता सकता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसके साथ। ओके और यहाँ पे मैं इसको सीधा कर देता हूँ, ज़्यादा आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, हो जाएगा। एंड और इसके इनर ग्लो के अंदर मुझे इसका जो इनर आउटर ग्लो है ना, वो समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। नहीं चलेगा, चलो ना बहुत है। एंड मैं सोच रहा था कि BGMI को ऊपर नीचे नहीं, फोटोशॉप को ही बड़ा कर देते हैं, BGMI को छोटा कर देते तो अच्छा लगेगा। फोटोशॉप को बड़ा कर देते, कंफ्यूज आ जा रहा हूँ मैं। चल ठीक है, छोड़ो ना, इतना बराबर है। ओके सो अभी के टाइम में सिर्फ ऐसे टैक्स रखा है, आपको जैसे टैक्स रखना है वैसे टैक्स रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप लोग इसको को थोड़ा सा आप लोग को इसको थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करना है, तो इन तीनों को मैं ऐसे एक ग्रुप में बनाऊँगा। ओके इन तीनों को मैं एक ग्रुप में कर दूंगा, एंड उसके बाद मैं इसका करके सिर्फ कंट्रोल अल्टा तीनों के तीनों बटन दबा के इसको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल दबाए। मैंने पहले तो क्या किया, इनका ग्रुप बनाया। ग्रुप कैसे बनाया देखो, मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ पहले तो। सो ये ग्रुप था जो उसको डिलीट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आपको ये तीन ऐसे तेरे अपने टेक्स्ट हो गए, उन सबको ऐसे सिलेक्ट करो। ओके सिर्फ दबा के सिलेक्ट कर लो सारे के सारे, उसके बाद कंट्रोल जी दबाओ तो ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद आपको दबाना है कंट्रोल टी, एंड उसके बाद आपको सिर्फ दबाना है अल्टर और कंट्रोल, तीनों बटन को दबा के आपको ऐसे कॉर्नर पे जाके इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है। ओके आप लोग को थोड़ा सा ऐसे आप लोग करा सकते, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। तो मैं इसको थोड़ा सा करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से करूँगा, जितना अच्छा लगे वैसे करो आप लोग तो अच्छा पड़ेगा। आपके हिसाब से करो, आपको जितना अच्छा लगे वैसा करो। मुझे ये वाला स्टाइल पसंद नहीं है तो मैं इस तरफ का कर दूंगा, ये वाला स्टाइल पसंद नहीं है तो मैं इस तरफ का कर दूंगा। आपको जो अच्छा लगे वो करो यार, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा बेटर लगा, इनको थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं गिरेगा। सो अभी के टाइम पे ये देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा टेक्स्ट अभी। एंड उसके बाद आप लोग को इसको भी ड्रॉप शैडो दे सकते हो पूरे के पूरे को। तो यहाँ पे आप लोग ग्रुप को कंट्रोल टी दबा के इसको भी ड्रॉप शैडो दे दो, अच्छा पड़ेगा। एंड इसकी जो शैडो है वो इतनी भी कुछ काम वर्क करे, बहुत अच्छा से वर्क करेगी, ऐसा नहीं का वर्क नहीं करेगी। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग को इसको भी आप शैडो दे सकते हो पूरे के पूरे को। ओके मतलब सिर्फ टेक्स्ट को नहीं, पूरे जितने भी सारे पूरे के पूरे टेक्स्ट हैं उन सबको आप लोग दे सकते हो। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से 75 कर देता हूँ, जितना मुझे पसंद है उतना। एंड इसका डिस्टेंस एंड इसके जो आपको साथ इसके साथ खेलना है, आपको जितना खेल सकते हैं, मैं हर बार आपको बताता हूँ इसके साथ खेलना सीखो। जितना आप लोग खेलोगे उतना आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। मैं तो बोलता हूँ आप उसके साथ खेलना एक बार सीख गए ना, तो भाई आपको किसी भी टाइप मतलब कभी भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग के टाइम। इसके साथ एक बार आप लोग खेलना सीख लो, मैं इसके साथ खेलता रहता हूँ जब तक मेरे को टेक्स्ट अच्छे नहीं लगते हैं, वैसे तब तक मैं इसके साथ खेलता रहता हूँ, जितना हो सके मैं उतना खेलता हूँ इसके साथ। ओके कभी कभी तो फुल कर देता हूँ, कभी कभी मैं इसके साथ क्या कुछ नहीं करता हूँ, अब बात ही मत पूछो। कभी कभी तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, जितना मेरे को अच्छा लगा उतना मैं उसको के साथ खेलता रहता हूँ। ओके एंड फिर उसके बाद आप लोग को ओके कर दो, जिसके मैंने अभी के टाइम पे सिर्फ सिंपल ही किया है। ओके दैन देखो कुछ इस तरह से आप लोग देख रहा होगा थोड़ा सा टेक्स्ट अभी के टाइम पे। ओके मैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से रखा है तो मेरे को थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा इसके अंदर, बट वहाँ पर टेक्स्ट अवेलेबल है। ओके सो यहाँ पे से हम लोग ये फ्री फायर को भी ये BGMI को भी हम लोग यहाँ से निकाल के फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ओके फ़ॉन्ट आपको चेंज करना है तो भी आप लोग कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ये थंबनेल को यहाँ से निकाल देते हैं। ओके थंबनेल को यहाँ से कॉपी करके मतलब ऊपर की साइड पे ले लेते हैं, एंड फिर हम लोग थंबनेल को ऐसे ऊपर ले लेते हैं, एंड अब थंबनेल का फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फ़ॉन्ट के साथ हो, आप लोग इसके साथ किसी के साथ भी आप लोग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा कली इस टाइप पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसके साथ भी कितना अच्छा सा दिख रहा है यार, बहुत सही लग रहा है। तो हम लोग इसके साथ भी ऐसे मतलब ऐसे रख दे तो यार कितना भारी दिखेगा यार, बहुत सही दिखेगा। देख अभी
अच्छा 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 जिनके सामने आने के ओके आ गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ऐसे ऊपर की साइड हो जाएगा एंड इसके बाद मैं इसको ऐसे नीचे से ऐसे कर दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ से हम लोग इसको फिर ऐसे ऊपर मतलब रखते हैं ना वो सारे सारे यूट्यूबर्स थोड़े से यूट्यूबर मतलब सारे यूट्यूबर नहीं रखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे रखते हैं ना कि थोड़ा टेक्स्ट के ऊपर ऐसे रख सकते हैं रख देते हैं यार वैसा। और इसका आप लोग का कलर चेंज करना है तो भी आप लोग करा सकते हो ओके। एंड जैसे कि इसका कलर चेंज करना है तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाइए एंड फिर अपना जो इनर कलर है उसको आप लोग चेंज कर दो जैसे आप लोग को कलर पसंद है। जैसे कि यहाँ पे मैं ब्लू स्टाइप ले लूँ तो ब्लू स्टाइप कैसा दिख रहा है यार ब्लू स्टाइप बहुत सही दिख रहा है भाई ब्लू स्टाइप बहुत सही दिख रहा है। इसका जो आउटर ग्लो है उसको थोड़ा सा ब्लू टाइप का दे देते मस्त एकदम झकास ये वाला दे देते हैं बहुत सही दिखेगा। एंड इसका जो कलर है वो इसमें बराबर है आउटर ग्लो हो गया इनर ग्लो ओके। जैसे ये वाला कलर अपने को देना था तो हम लोग ने इसको ये दे दिया ओके। तो भाई बहुत सही दिख रहा है मेरे को तो बहुत सही दिख रहा है हम लोग इसको थोड़ा सा जूम इन करा के भी करा सकते हैं। देखो इसकी भी एजिस भी कितनी मस्त दिख रही है यार बहुत सही एजिस आई गई देखा। ऐसे आप लोग इनके साथ खेलो जितना खेल सको ना भाई उतना खेलो मैं तो बोलता हूँ आप लोग जितना खेल सको यही ये पूरा का पूरा फ्यू मतलब पूरा का पूरा सीक्रेट कि आप लोग इसके जितना खेलोगे ना फोटोशॉप के अंदर उतना आपको मज़ा आएगा फोटोशॉप में एडिटिंग करने के लिए दोस्तों। आपको खेलना आना चाहिए फोटोशॉप के साथ जितनी सेटिंग्स है भाई कोई भी सेटिंग ऐसा नहीं है कि भाई यही सेटिंग होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता है आप लोग अपनी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हर फ़ोन के लिए अलग अलग सेटिंग्स होती है दोस्तों ऐसा कुछ कोई ऐसा नहीं है जो कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई यही सेटिंग परफेक्ट है बस यही सेटिंग होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं। आप लोग जितना खेलोगे उतना आप लोग बना पाओगे दोस्तों मैं आप गारंटी देता हूँ आपको बहुत सही मज़ा आएगा मैं तो बोलता हूँ मेरे को तो भाई बहुत मज़ा आता है मैं जब जब खेलता हूँ इनको साथ ओके। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ भाई दूसरे को मज़ा नहीं आता तो वह अलग बात है बट मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है और सबसे बेस्ट वीडियो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा टेक्स्ट में सबको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग ऐसे इसको एडिटिंग कर सकते हो यार दोस्तों। ये होते हैं टेक्स्ट फोटोशॉप में एडिटिंग करने के लिए दोस्तों कैसा लगा मुझे ज़रूर बताओ पसंद भी आया होगा मुझे पता है आप लोग इसको फिर इसके ऊपर एक और क्या करो पता है एक कॉपी बना दो ओके। एंड उसके बाद आप लोग इसका जो क्या बोलते हैं और भी कुछ कर सकते हो इसको ब्लरिंग भी दे सकते हो जो देना है दे दो या लाइटिंग दे दो स्ट्रोक दे दो जो देना है वो दे सकते हो ओके। आप लोग को जो अच्छा लगे वो दे दो जैसे कि मैं अभी अपने कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट में से लाइटिंग निकाल के आता हूँ ओके। मेरे यहाँ से मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी बहुत सारी लाइटिंग्स लगाई है मैंने तो मैं इसमें से अपना जो प्रोजेक्ट है वो पहले ओल्ड वाला ओपन कर लेता हूँ एंड इसमें मैंने बहुत सारी लाइटिंग्स लगाई है ओके। मैं देख सकते हैं यहाँ पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ही लिया था दोस्तों सो यहाँ से मैं इसको हाइड कर दूँगा ये वाली मेरी बॉर्डर से ये भी हटाई हाइड करनी है ये वाला भी हाइड कर देना है एंड ये वाला भी हाइड कर देना है ओके। इसमें टूटे वाला किधर है ये वाला एंड ये सारी हाइड कर देनी है यानी ये दो को मुझे उठा के यहाँ पे ले लेना है ओके। हाँ देखो अभी ये देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको ऐसे सेट कर दूंगा अरे इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल टी एंड साइज बड़ी करनी है तो मैं यहाँ से थोड़ी सी साइज बड़ी कर दूंगा इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ओके। सो यहाँ से आप लोग ऐसे कर सकते हो मैंने अभी सिर्फ आपको सिंपल ऐसे बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या कुछ कर सकते हो आप लोग इसके साथ खेलने के लिए खेल सकते हो यार बहुत कुछ बना सकते हो आप लोग बहुत सही सही से टेक्स्ट एडिटिंग होता है इन सब से दोस्तों। आप लोग इसमें पार्टिकल्स भी ऐड और कर सकते हो जितना हो सके आप उतना इसके साथ खेलोगे मैं तो बोलता हूँ ना भाई जितना खेलो उतना अच्छा है इसके साथ। जैसे कि मैं पार्टिकल्स थोड़े और ऐड कर देता हूँ तो यहाँ मेरे पार्टिकल्स की जो साइज है वो आप लोग को अपने हिसाब से रख दो मैं तो यहाँ पे सिर्फ वैसे नॉर्मली लगा रहा हूँ ओके सिर्फ अच्छा दिखने के लिए कि भाई अच्छा है अच्छा ये भाई टेक्स्ट परफेक्ट है यही टेक्स्ट होते हैं सारी की सारी एडिटिंग के अंदर दोस्तों। आप लोग को कैसे ग्लो देना है कैसे टेक्स्ट में चेंजेस करना है कैसे एजिस देना है कैसे शेडो देना है कैसे ग्रेडियंट कलर देना है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अगर आप लोग को यहाँ पे स्ट्रोक देना सीखना है तो आप लोग सिंपल है ना क्या करो पता है ऐसे सिलेक्ट कर लो ओके सिलेक्ट कर लिया आपने पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप लोग राइट क्लिक करो यानी यहाँ पे रहता है स्ट्रोक ओके। यहाँ पे आप लोग को जो भी कलर के स्ट्रोक देना है तो यहाँ पे मैं अभी दे देता हूँ ये थोड़ा मेरे बहुत सारा कलर के अंदर है रेड वाली तो हम लोग इसको ओके कर देते हैं यानी इसकी जो सेंटर आउटर इनर स्ट्रोक देंगे क्योंकि हम लोग को अंदर की साइड पर स्ट्रोक चाहिए
एंड इसमें इसके कलर है ना थोड़ा सा येलो इस टाइप की रखते हैं जो अच्छी पड़ेगी। एंड इसकी साइज़ होगी मेरी हिसाब से 25। ओके एंड इसका प्रीव्यू हम लोग को देखने नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसको ओके दे देते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रोक आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे प्रीव्यू देखने नहीं मिला इसकी वजह से मैं वापस करूँगा इसको, थोड़ी सी छोटी कर दूँगा एंड इसको मैं कर दूँगा 15। तब तक हो ही जानी चाहिए। तो देखो अब ये 15 हो चुकी है, ये हमारी स्ट्रोक आ चुकी है। अब स्ट्रोक को भी आप लोग ग्लो और सब लोग सब कुछ दे सकते हो, वो आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आप लोग को इसका ग्रेडियंट चेंज करना है जैसे कि मैंने इसका किया, तो ग्रेडियंट के ऊपर जाइए, आप देख सकते हैं ग्रेडियंट कैसे चेंज हो रहा है। ओके अब उसको आउटर ड्रॉप शैडो देना है, ड्रॉप शैडो दे दो। आप इसको आउटर ग्लो देना है, आउटर ग्लो दे दो जैसे कि पहले दिया था आपने। इनर ग्लो देना है, इनर ग्लो दे दो जैसे कि हमने दिया था। ओके एंड ओके कर दो, सिंपल एंड स्वीट। इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कहीं पूरे यूट्यूब के ऊपर कि कितने अच्छी तरह से आप लोग ये सबको एडिट कर सकते हो दोस्तों। ये होता है टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है, अपने पबजी मोबाइल के जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो मैं इसी मेथड के थ्रू सारे के सारे जो बनाता हूँ दोस्तों। एंड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबा देना जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होगा।